नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मुलाकात फिजिक्स के साथ लेकर आए हैं इक्विवेलेंट फोकल लगाव को एक्सेलेंस सिस्टम। कल कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, दोस्तों ने कहा अगर हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, जैसे कि 28 या 29 को हमारे एग्ज़ाम है, तो हमारा पूरा टॉपिक और पूरा सिलेबस कवर करना इज इम्पॉसिबल हो गया। तो कुछ दोस्तों की राय की वजह से मैंने तय किया हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन ही लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी होगा और धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये टॉपिक है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल एक्सिस लेंस सिस्टम, और ये पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, और एक बार नहीं दो दो बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करते हैं इसे, क्या होता है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ओके, तो उसके लिए हमें डायग्राम निकालनी है। ये हमारा लेंस है, इसे हम L1 नाम देते हैं। ये हमारा दूसरा लेंस है, इसे हम L2 नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों का डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम डिस्टेंस को ए मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है, यहाँ पर फोकल पॉइंट होता है F1, F2। ठीक है, और यहाँ से हमारा इंसिडेंट रे गुजरती है, जब भी गुजरती है वैसे तो सीधे ही जाना चाहिए, मगर लेंस होने की वजह से डाइवर्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है डेलवर का, क्योंकि ये लेंस वन का डेविएशन है, मतलब ये यहाँ से डेविएट हो गया है रे, तो ये लेंस वन के लिए है। और यहाँ पे हम लेंस के पॉइंट को देते हैं नाम O1, O2। ओके, और यहाँ से लेंस की जब बाहर जाती है वैसे तो ये ऐसे सीधी सीधी ही जानी चाहिए, बट जब ये ऐसी बाहर जाती है तब थोड़ी बेंड हो जाती है। ये इंसिडेंट यहाँ से निकल रही है, यहाँ थोड़ी बेंड होके सीधे गई सेकंड लेंस में, और वहाँ से थोड़ी बेंड होके ये आउट हो गए हैं, बाहर निकल गए। ठीक है, और यहाँ पे जो अब ये जो इमर्जेंट रे है इसे हम जोड़ते हैं इधर, यहाँ पे जुड़ेगी, वहाँ से हम साइड परपेंडिकुलर दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारा लेंस वन लेंस टू है, और प्रिंसिपल पॉइंट पर शायद हम यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट ले लेते हैं P1, P2। ओके, हम इसे नाम देंगे, अपने रे को नाम देंगे A, B। ठीक है, यहाँ से B से यहाँ पे जाएगी C पर, C से जा रही है, ठीक है B, और ये क्या है हमारा फोकल है F1, F2 फोकल है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं G, E, H एज यू विश। ओके, और अब यहाँ पे जो डेविएट हो रहा है, यहाँ से एक ये लेंस का डेविएशन यहाँ पे है, तो इसे हम नाम देते हैं डेल टू। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इधर दिख रहा है, यहाँ से जो एंगल तैयार हो रहा है वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये जो है इक्विवेलेंट फोकल एंगल। ठीक है, ये इसे सिर्फ डेल कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेविएशन। फर्स्ट ये हम निकालेंगे डेविएशन ऑफ L1। ठीक है, तो डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास एंगल कौन सा है,
डेल वन। तो जब हम एंगल निकालते हैं तो यूज करते हैं टैन। यहाँ पे टैन डेल वन इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मगर हमारे पास और एक फंडा है जो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा डेल वन। यहाँ पे तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बना के इसको एंगल बना देते हैं हमारा डेविएशन फर्स्ट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसे नाम दे देते हैं यक्स, ये भी बात सही है। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं वाई, ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू ये जो h O2 है, h O2 इक्वल h O2 माइनस h c किया तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम माइनस h c करते हैं, अब हमें h c की वैल्यू निकालनी है, तो h c की वैल्यू h O2 की वैल्यू क्या है, h O2 की वैल्यू यह है क्या है, h की वैल्यू क्या कैसे रहती है, h इसकी वैल्यू है हमारे पास h, हमें निकालनी है h c की वैल्यू। और h c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता होता है एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस, ठीक है, तो एंगल क्या है डेल, यहाँ पे लिखते हैं डेल इक्वल टू डेल वन इक्वल टू आर क्या है एच सी अपॉन रेडियस का है ए, ये क्या है रेडियस का क्या है ए, और एच सी की वैल्यू क्या मिलती है हमें ए वन डेल वन, ठीक है, ये हमारे पास एच सी की वैल्यू है, तो एच सी की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर दें ए डेल वन, ठीक है, और डेल वन की वैल्यू पता है पहले निकालनी है, ये डेल वन की वैल्यू एच वन एफ वन एक्स वन एक्स वन एफ वन, ये वैल्यू हमारी वाई की आ गई है, अभी वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं दिस इक्वेशन, ओके, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जगह तो बची नहीं है तो हम ये इंप्लीमेंट कर देंगे, ओके, जिसे अब मिटाते हैं, इसमें मैनेज करते हैं वाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स बाय एफ वन, ठीक है, ये तो ठीक है, मगर अब हमें निकालना क्या है, ऐसा लिख सकते हैं x बाय f इक्वल टू x बाय f वन प्लस x बाय f टू वन माइनस a बाय f वन, बोलो हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्या हम इसे x को 1 पुट करके बोथ साइड x को 1 पुट करके बोथ साइड पे लगा सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus a by F1, F2, हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें ये निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम का ये पूरा फंडा हमें लिखना होता है, और इसका फोकल लेंथ होता है कि F, F is the focal length of इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल लेंस सिस्टम, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।